बढ़ाते हैं और दूसरे सत्र की ओर चलते हैं, नाला शिवलाल सर्राफ स्मृति सत्र। तो मैं उनके परिवार के लोगों से अनुरोध करता हूं कि कृपया मंच पे आए। लाला शिवलाल सर्राफ परिवार, श्री पुरुषोत्तम दास सरगला जी, चाचा जी हमारे मध्य पधारे हैं, उनका भी स्वागत है। और जो विशिष्ट उपस्थिति है हमारे बीच श्री घनश्याम सर्राफ जी की है, वो सपरिवार प्रेम भाभी जी के साथ पधारे हैं भिवानी से स्पेशली इस कार्य के लिए। तो आप मंच पे पधारे, लगातार 3 बार भिवानी से विधायक हैं, आप मंत्री रह चुके हैं, एक बार जोरदार तालियों से हमारे विधायक घनश्याम सर्राफ जी का स्वागत करें। चाचा पुरुषोत्तम अग्रवाल भिवानी के लाइव इंसाइक्लोपीडिया है, चाचा जी को भिवानी के बारे में इतना नॉलेज है, मैं तो कोई रिश्ते की इंक्वायरी आ जाती है मेरे पास, ये परिवार के बारे में बताओ तो मैं चाचा को एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर देता हूँ, चाचा सारी बातें बता देते हैं। लाला शिवलाल सर्राफ जी के परिवार के लिए जो ट्रॉफी है वो भी एक बार ले आएंगे। तो लाला शिवलाल सर्राफ जी के परिवार का अभिनंदन भिवानी परिवार मैत्री संघ के द्वारा। ये दूसरा सत्र जो है लाला शिवलाल जी को समर्पित है। आदरणीय शहनवाज हुसैन साहब से प्रार्थना करता हूँ, सैयद शहनवाज हुसैन साहब, हमारे परिवार जन की इच्छा है कि आपके साथ फोटो होना चाहिए, मुझे पता है आप उनकी इच्छा का आदर करेंगे। लाला शिवलाल सर्राफ स्मृति सत्र और सम्मान किया जा रहा है उनके परिवार का, घनश्याम सर्राफ जी का और शाहनवाज हुसैन जी का। आप सबका धन्यवाद। अभी हम आदरणीय शहनवाज हुसैन साहब का अभिनंदन करेंगे। आप सम्मान करेंगे हमारे मुख्य अतिथि शाहनवाज हुसैन जी का, और मैं चाचा पुरुषोत्तम जी और घनश्याम जी से सर्राफ जी से अनुरोध करता हूँ कि उनका स्वागत करें भिवानी परिवार मैत्री संघ की ओर से। स्वागत श्री शाहनवाज हुसैन जी का। चलिए अब सम्मान के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। भिवानी गौरव सम्मान, हमने अब तक 3 सम्मान किए हैं, अभी 6 सम्मान अभी बाकी हैं। तो मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि अपना स्थान ले लें। अवार्ड सेरेमनी शुरू करते हैं लाला शिवलाल सर्राफ जी के परिवार से, और घनश्याम सर्राफ जी श्री शाहनवाज हुसैन जी मंच पे रहेंगे जी। तो सम्मान के क्रम को आगे बढ़ाते हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि 9 श्रेणियां हैं जिनमें सम्मान दिया जाता है, आइए हम आगे सम्मान की ओर बढ़ते हैं। ये सम्मान है पंडित नेकीराम शर्मा सम्मान राष्ट्र सेवा के लिए, और इस वर्ष का ये सम्मान दिया जा रहा है श्री ओपी गोयल जी भिवानी वाला को। ओपी गोयल जी, ओम प्रकाश गोयल जी, और एक बार उनका वीडियो प्ले कर दीजिए पहले, इससे पहले कि मैं उनको मंच पे बुलाऊं। जिस समाज और देश ने हमें बहुत कुछ दिया है उसके प्रति भी हमारा कुछ दायित्व बनता है, इस उक्ति को दिल में उकेरा है श्री ओम प्रकाश गोयल जी ने। श्री ओम प्रकाश गोयल जी भिवानी के सेठ नंदराम जी परिवार से ताल्लुक रखते हैं, जिन्हें भिवानी की बस्ती बसाने का गौरव प्राप्त है। उनकी उद्यमशीलता भावना के कारण ही भिवानी ने स्वतंत्र भारत के मानचित्र पर एक प्रसिद्ध स्थान हासिल किया है। महान दादा स्वर्गीय श्री लक्ष्मी नारायण गोयल जी जो सरकार के प्रमुख पदों पर कार्य कर चुके हैं, वह एक वकील थे और भिवानी में जनता के द्वारा उन्हें उच्च सम्मान दिया गया था। वह अंतिम सांस तक जनता के लिए कड़ी मेहनत करते रहे। श्री ओपी गोयल जी ने भी उनकी विरासत को जारी रखा है और दिल्ली और हरियाणा के लगभग सभी अग्रवाल सम्मेलनों, सभाओं और संघों से जुड़े हुए हैं। श्री ओपी गोयल जी अथक रूप से समाज के उत्थान के लिए काम करते हैं। आप कई गैर सरकारी संगठनों, सामुदायिक संघों, धार्मिक और आध्यात्मिक संस्थानों में उच्च पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। श्री ओपी गोयल जी एक प्रसिद्ध व्यवसायी हैं, शिक्षाविद, वक्ता, नागरिक और सामुदायिक नेता हैं, जिनके पास मजबूत आर्थिक पृष्ठभूमि के साथ साथ 50 वर्षों से ज्यादा का प्रचुर अनुभव है। आपने सन 1969 में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक किया है। श्री ओपी गोयल जी एक दूरदर्शी, चुनौती से प्रेरित व्यक्तित्व हैं, जो शैक्षिक और सामुदायिक क्षेत्रों में काफी सफल हैं।
एक सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में लोगों को एक साथ लाने और काम करने के लिए प्रेरित करने की अद्भुत क्षमता है। श्री ओपी गोयल जी को विभिन्न समूहों के बीच आम सहमति बनाने की उत्कृष्टता हासिल है। अग्रवाल और वैश्य समुदायों में व्यापक रूप से आप सम्मानीय हैं। गत 50 वर्षों में आपने एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते सामुदायिक निर्माण में अपने पूर्वजों से विरासत में मिले अपने आनुवांशिक गुणों में मानवता की सेवा करते हुए आप सन 1971 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और इसके सक्रिय सदस्य बने। राजनीतिक क्षेत्र में यह आपका पहला कदम था और तब से आपने प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख सभी स्तरों पर कार्य किया। सन 2016 में आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दृष्टिकोण और मिशन से प्रभावित होने के बाद भाजपा में शामिल हो गए। आप अनेक संस्थाओं से सक्रिय रूप से जुड़े हैं। आप दिल्ली प्रादेशिक अग्रवाल सम्मेलन, दक्षिणी दिल्ली के अध्यक्ष, दा स्तरीय सतर्कता समिति, खाद्य एवं आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सदस्य, अखिल भारतीय व्यापारियों का परिसंघ CAIT के उपाध्यक्ष, श्री अग्रसेन फाउंडेशन के ट्रस्टी, विश्व अग्रवाल सभा कालकाजी और तुगलकाबाद एक्सटेंशन के अध्यक्ष, ट्रेडर वेलफेयर एसोसिएशन तुगलकाबाद के अध्यक्ष एवं कई संस्थाओं में आप उच्च पद पर आसीन हैं और वहां पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। गुजरात में भूकंप, नागरिक और सामान्य परिस्थितियों के सुधार के लिए आपने अनेक कार्य किए हैं। आप तन मन एवं धन से अपना सहयोग निरंतर कर रहे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री को लिखे गए उनके एक पत्र को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह खंडपीठ द्वारा एक जनहित याचिका में बदल दिया गया था, जिसमें दिल्ली में आपने मानव रहित बैरिकेड्स के कारण दिल्ली की जनता के सामने आने वाली बाधाओं और उत्पीड़न पर प्रकाश डाला था। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने आपको अवलोकन में कहा कि श्री ओपी गोयल जी द्वारा उठाया गया मुद्दा विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि सड़कों के मानव रहित बैरिकेड्स प्रथम दृष्टया कोई उद्देश्य नहीं देते हैं और वास्तव में बड़े पैमाने पर जनता को असुविधा और उत्पीड़न का कारण बनते हैं। इस तरह के बैरिकेड्स का इस्तेमाल कियोस्क लगाने और चलाने वाले वाहनों को पार्किंग के लिए भी किया जा रहा है। संप्रति आप एक प्रतिष्ठित सामाजिक व्यक्तित्व के रूप में राष्ट्र सेवा में अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। भिवानी परिवार मैत्री संघ श्री ओम प्रकाश गोयल जी को पंडित नेकीराम शर्मा भिवानी गौरव सम्मान से अलंकृत कर अनुग्रहित हुआ है। जय भवानी, जय हरियाणा, जय हिंद। पंडित नेकीराम शर्मा सम्मान राष्ट्र सेवा के लिए आदरणीय श्री ओम प्रकाश गोयल जी। ओपी गोयल जी, जिनका परिचय आपने वीडियो के माध्यम से देखा, और ये सम्मान नेकीराम शर्मा जी की स्मृति में दिया जाता है राष्ट्र सेवा के लिए। और जैसा कि हमने जिक्र किया कि सन 2011 से ये सम्मान दिया जाता है सुप्रीम समिति से, सुरेश गुप्ता जी, सुभाष वासिया जी, सुधाकर गुप्ता जी, जी परिवार के लोग सम्मिलित हों, राजेश गोयल जी, रविंद्र गोयल जी, खेलों की दुनिया में भिवानी को मिनी क्यूबा कहा जाता है। तो अपना जो सम्मान दिया जा रहा है श्री सुरजीत सिंह की स्मृति में दिया जाता है। खेल के क्षेत्र में जिसने उल्लेखनीय कार्य किया हो, देश दुनिया में भिवानी का नाम बढ़ाया हो, तो वर्ष 2022 के लिए भिवानी गौरव सम्मान, सुरजीत सिंह सम्मान दिया जा रहा है श्री मदन पाल चौहान जी को। खेल की दुनिया में हिंदुस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विशेष पहचान दिलाने में जिला भिवानी का
विशेष योगदान रहा है। खेलों की इस बगिया को बहुत सारे बागबाओं ने अपनी कड़ी मेहनत और अथक प्रयत्नों से सिंचित किया है। खेलों की दुनिया की एक ऐसी ही विशिष्ट शख्सियत है श्री मदन पाल चौहान। आपने एक कोच के रूप में अपनी सेवा के दौरान आप सुबह शाम दोनों समय खेल के मैदान पर नियमित रूप से अपनी सेवाएं देकर अनेक खिलाड़ियों को द्रोणाचार्य की भांति तैयार किया। आपके द्वारा प्रशिक्षित खिलाड़ियों ने कबड्डी वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल, राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल, सेफ खेलों में गोल्ड मेडल, एशियाई खेलों में कांस्य पदक, एशियाई चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल व जूनियर एशियाई चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया है। आपके द्वारा प्रशिक्षित खिलाड़ियों ने भारत और पाकिस्तान के कबड्डी मैच में भी अपना जलवा बिखेरा है। श्री मदन पाल जी, जिला खेल और युवा मामलों के अधिकारी के दायित्व से प्रतिभाओं को तराश कर विभिन्न खेलों के लिए तैयार कर रहे हैं। भिवानी परिवार मैत्री संघ आपको सुरजीत सिंह भिवानी गौरव सम्मान से अलंकृत कर अनुग्रहित हुआ। जय भिवानी, जय हरियाणा, जय हिंद। श्री मदन पाल जी, उनके साथ जो भिवानी में उनके परिवार के सदस्य आए हैं वो भी सम्मिलित हों, और देवेंद्र कुमार जो सुरजीत जी के सुपुत्र हैं अगर वो आ गए हैं तो वो भी शामिल हों। जी सम्मान के लिए श्री मदन पाल चौहान जी, खेल की दुनिया से सुरजीत सिंह सम्मान, स्मृति सम्मान। सो सुरजीत सिंह स्मृति खेल सम्मान, भिवानी गौरव सम्मान दिया जा रहा है श्री मदन पाल चौहान जी को, जो कि कबड्डी कोच हैं और अनेक प्रतिभाओं को आपने तराशा है। बहुत बहुत बधाई मदन पाल चौहान जी को। अब खेलों की दुनिया से निकल के चलते हैं लोक प्रशासन और ग्राम विकास की ओर। ये जो सम्मान दिया जा रहा है चौधरी बंसीलाल सम्मान लोक प्रशासन और ग्राम विकास में, डॉक्टर राजश्री सिंह आईपीएस जो चुनाव में ड्यूटी के कारण आज उपस्थित नहीं हो पाई हैं, उनके बिहाफ पे शायद कोई आया है, कोई नहीं है तो उन्होंने संदेश भेजा है कि वीडियो संदेश भेजा है राजश्री जी ने, वो मैं प्ले करना चाहूंगा। अपनी टीम से अनुरोध करता हूं, राजश्री जी का संदेश। सबको राम राम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज भिवानी परिवार मैत्री संघ एक अवार्ड फंक्शन का आयोजन कर रहा है और उसमें मुझे एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर चौधरी बंसीलाल अवार्ड से नवाजा जा रहा है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सब लोगों की कि आपने मुझे इतना बड़ा ऑनर दिया, इतना बड़ा अवार्ड दिया, और बहुत भावुक हो रही हूँ मैं इस वक्त, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं ये अपने हाथ से लूँ और आप सब लोगों के सामने आके जो ये अवार्ड ग्रहण करूँ, लेकिन क्योंकि मेरी इलेक्शन ड्यूटी है और वहाँ से आना बहुत मुश्किल है, तो मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और माफ़ी चाहती हूँ कि मैं इस अवार्ड फंक्शन में नहीं आ पाई, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप अपनी इस बहन पे, बेटी पे हमेशा आशीर्वाद बनाए रखेंगे और इस बार नहीं तो अगली बार जो है अवार्ड फंक्शन में जरूर आऊंगी, और आप सब लोगों का एक बार फिर से बहुत शुक्रिया। और मैं सच में बहुत भावुक हो रही हूँ कि जिनको मैंने एक हमेशा एक आइडियल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर देखा, उसी शख्सियत के नाम पर मुझे जो है अवार्ड दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार। आप देखिए आईपीएस जितेंद्र जी, ये हमारे भिवानी की आईपीएस बेटी है और बहुत अच्छी कवित्री है, 5 काव्य संग्रह इनके प्रकाशित हुए हैं, बहुत बड़ी स्पोर्ट्स पर्सन है और इतनी विनम्र है कि मैं बता नहीं सकता। परसों भारत सरकार ने अचानक आदमपुर उपचुनाव में उनकी ड्यूटी लगा दी है, इसलिए आज उपस्थित नहीं हो पाई है, वीडियो उनका हमारे पास आया है। आप सब अनुमति दें तो हमारी टीम उनके घर जाकर उनको सम्मान करके आए, क्या नहीं आए, आपकी अनुमति है सर, हम सब लोग उनके घर जाएंगे और आप सबके बिहाव पे उनको सम्मानित करके आएंगे, ये हमारा निर्णय है। तो आप सब एक बार उनके भविष्य के लिए, उज्ज्वल भविष्य के लिए तालियां बजाइए, वो आवाज उनके जाए आदमपुर करके उनके उनके भाई उनको याद।
हरियाणा के भिवानी क्षेत्र में मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी एक कन्या राजश्री ने अपने शुरुआती जीवन बाल्यकाल से ही अपने परिवार और समाज में काफ़ी कुछ कर दिखाने का जज्बा महसूस करना शुरू कर दिया था। वैसे राजश्री जी बाल्यकाल से ही असंभव को संभव बनाने के लिए, जिद पर अड़ी रहने के लिए जानी जाती हैं। आप स्कूल स्तर पर शिक्षा अर्जन के साथ साथ जिम्नास्टिक टीम की लगातार 6 साल तक कप्तान रही और बाद में इसी क्षेत्र में चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया। शिक्षा सुचारू रूप से जारी रखते हुए आप एक पेशेवर डॉक्टर बन गई और लोगों की सेवा करती रही। पढ़ाई के प्रति इसी लगन के कारण आपने मानवाधिकार विषय में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एवं शरणार्थी नियम एक ही वर्षीय कोर्स हासिल कर आपने मानवीय मूल्यों एवं संवेदनाओं के प्रति एक और महारत हासिल की है। अभी तक आपकी शिक्षा अनवरत रही है और LLB करने के बाद LLM की पढ़ाई करके आपने ये साबित कर दिया, पढ़ने की कोई उम्र नहीं और पढ़ने में कोई शर्म नहीं। अपनी प्रतिभा और कौशल कला से आप धीरे धीरे सफलताओं को नतमस्तक झुकाते हुए सन 1990 में हरियाणा पुलिस में सीधे ही पुलिस उपाधीक्षक पद पर चयनित हो गई। आप सन 1999 बैच की IPS ऑफिसर हैं तथा लगातार भारतीय पुलिस सेवा में आपने सेवाएं दी हैं। सन 2012 में भारतीय पुलिस सेवा में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए आपको राष्ट्रपति पुलिस पदक से भी नवाजा गया है। आपको जहां जहां जिस पद पर सेवा करने की जिम्मेदारी मिली, आपने पूरी तरह से अपनी सूझबूझ से समाज को प्रभावित किया है। आप एक समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता हैं। राजश्री जी समाज में व्याप्त तमाम बुराइयों पर खुलकर प्रहार करती हैं, चाहे कन्या भ्रूण हत्या हो या फिर दहेज प्रथा जैसी अन्य बुराई। आपने अपने लेखन से भी सबको प्रभावित किया है। आपके लेखन कार्य में अधखिली धूप और दिल से खाकी काव्य संग्रह शामिल है। आपका मानना है कि खून की जरूरत सड़क को नहीं देश को है। भिवानी परिवार ऐसे माँ बाप को सलाम करता है जिन्होंने ऐसी सशक्त बालिका को जन्म दिया है। मानवीय मूल्यों और संवेदनाओं से परिपूर्ण महोदया डॉक्टर श्रीमती राजश्री सिंह संप्रति गुरुग्राम हरियाणा में पुलिस महानिरीक्षक अपराध शाखा पद को सुशोभित कर रही हैं। भिवानी परिवार मैत्री संघ आपको चौधरी बंसीलाल भिवानी गौरव सम्मान से अलंकृत कर अनुग्रहित हुआ। जय भिवानी, जय हरियाणा, जय हिंद।